वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के हम लेक्चर में आईईसी का नया टॉपिक चॉपर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि चॉपर क्या होता है, ठीक है, इसके यूज़ क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चॉपर के बारे में। चॉपर डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ठीक है ना, यानी कि ये फिक्स डीसी को एक कंट्रोलेबल डीसी या फिर वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है चॉपर का काम। ठीक है, तो वही है कि चॉपर, यहाँ देखिए लिखा हुआ चॉपर बेसिकली स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल डीसी आउटपुट यानी कि कंट्रोलेबल कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये इसका काम होता है। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा डेफिनेशन देख कि चॉपर एक हाई, हाँ चॉपर क्या होता है, एक हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस होता है जो लोड को सोर्स से कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है। मतलब कब, ये ऐसा स्विचिंग डिवाइस होता है कि जब हमें आउटपुट चाहिए होता है तो लोड को सोर्स से क्या करता है, कनेक्ट करता है, जब नहीं चाहिए होता है तो वो डिसकनेक्ट कर देता है। ठीक है, जिससे कि हमें आउटपुट में एक वेरिएबल और कंट्रोलेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल सके। ठीक है, अब जैसा कि जानते हो कि चॉपर जो होता है वो आउटपुट में डीसी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। जैसे कि हम इनपुट वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट का दे दिए, सपोज करिए, और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, 7 वोल्ट चाहिए, फिर आउटपुट में हमें क्या चाहिए, 3 वोल्ट का डीसी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं डीसी वोल्टेज लेवल को ही तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है ना। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर क्या करता था, एसी के वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता था, ये क्या करता है, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहा है आउटपुट में, इसलिए इसे हम लोग डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, यानी कि इसे डीसी ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब इसको ब्लॉक डायग्राम से समझिए कि ये ब्लॉक डायग्राम है चॉपर का, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसे आप चॉपर भी कहते हो। ठीक है, इनपुट हम लोग क्या दे रहे हैं, फिक्स्ड वोल्टेज दे रहे हैं ना, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, फिक्स्ड वोल्टेज दे रहे हैं। अब ये फिक्स्ड वोल्टेज और पावर क्या होता है, चॉपर में जाता है, यानी कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर में ये क्या करता है, इसको आउटपुट वेरिएबल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा, देखिए फिक्स्ड डीसी इनपुट दिखा रहा है ना, फिक्स्ड डीसी, ये लाइन क्या शो करता है, फिक्स्ड डीसी, यानी कि जो वेरी नहीं कर रहा, बट यहाँ पे भी डीसी आउटपुट मिल रही है, ये आउटपुट में लेकिन कैसा, वेरिएबल मिल रहा है ना, पूरा प्योर नहीं, वेरी कर करके मिल रहा है, लेकिन है तो डीसी। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सिंबल ऑफ चॉपर के बारे में, है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि चॉपर एक स्विच की तरह यूज़ किया जाता है, तो ये एक स्विच की तरह ही है चॉपर, और जब हम लोग चॉपर का सिंबल बनाते हैं तो उसको एक डॉटेड बॉक्स के अंदर में लगते हैं। ये चॉपर का साइन है कि स्विच ही होता है, और इसको क्या करते हैं, एक डॉटेड बॉक्स के अंदर क्लोज कर देते हैं, है ना। अब पढ़ेंगे डिवाइसेज यूज इन चॉपर, यानी कि चॉपर में चॉपर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ दो जगह करते हैं, एक लो पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। लो पावर एप्लीकेशन में GTO, ठीक है, IGBT, पावर BJT, पावर MOSFET, यहाँ चॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हाई पावर एप्लीकेशन में, कहाँ भाई, हाई पावर एप्लीकेशन में थायरिस्टर और SCR, यही तो होता है ना, थायरिस्टर की फैमिली तो हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो थायरिस्टर कह सकते हो या फिर SCR, तो ये हाई पावर एप्लीकेशन में चॉपर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ चॉपर, चॉपर का एप्लीकेशन का क्या क्या है, ठीक है ना, चॉपर का एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। बेसिकली देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉपर सर्किट का यूज़ पावर कंट्रोल और सिग्नल एप्लीकेशन में किया जाता है, पावर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पहला इसका यूज़ डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि चॉपर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए, ठीक है, और विंड एनर्जी कन्वर्जन के लिए करते हैं चॉपर का यूज़। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक कार्स में, एरोप्लेन्स में और स्पेस शिप्स, जहाँ पर ऑनबोर्ड रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम चॉपर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब कहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर जनरल केस की बात करें तो चॉपर सर्किट का यूज़ कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा में किया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो था यूज़। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चॉपर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चॉपर, एसी चॉपर, डीसी चॉपर। कभी कभी एसी चॉपर को एसी लिंक चॉपर भी लिख देता है, डीसी चॉपर को डीसी लिंक चॉपर भी लिख देता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वही चीज़ है।
अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से एसी चॉपर और डीसी चॉपर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसी चॉपर। एसी चॉपर की भी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डीसी को कंट्रोलेबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें बच्चों टू स्टेज होता है, जब भी फिक्स डीसी को एक वेरिएबल डीसी में एसी चॉपर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं तो टू स्टेज से हमें क्रॉस करना पड़ता है। और उसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखिए समझाया गया है, यहाँ पे टू स्टेजेस हैं जिसमें कि इन्वर्टर लगे हुए हैं और ये क्या है, ये रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखिए करते क्या है, पहले हम लोग इन्वर्टर बॉक्स में, पहले यहाँ से हम डीसी इनपुट फिक्स डीसी देते हैं, ठीक है ना। वो इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर क्या करेगा, इस फिक्स्ड इनपुट डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ से एसी मिल रही कि नहीं, आउटपुट में हमें एसी मिल रही है। अब ये जो हमें एसी मिल रही है ना, यहाँ पे लिखा है, अब इस एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इस एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से इसको स्टेप अप करते हैं और स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो हमें एसी मिल रही है वो किस में जाएगी, वो रेक्टिफायर में जाएगी। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इस एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में। तो ये तो था दो स्टेज। अब एसी चॉपर के में देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि दो स्टेज होने के कारण, इसमें लिखा हुआ है कि टू स्टेज के कारण जो आपका एसी चॉपर है ना वो कॉस्टली होता है, बल्कि मतलब बड़े साइज़ का होता है और लेस इफ़िशियंट, बहुत ज़्यादा सकुशल भी नहीं होता क्योंकि महंगा भी होता है, बहुत भारी भी होता है और ज़्यादा यूज़ के लिए भी नहीं होता, इसलिए एसी चॉपर का ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डीसी चॉपर के बारे में। तो डीसी चॉपर में ये देखिए डीसी चॉपर का ब्लॉक डायग्राम हुआ, इसमें भी जैसे फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें केवल वन स्टेज प्रोसेस होता है। इसमें डायरेक्टली फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देंगे, चॉपर है, इसमें आपने इनपुट दिया और फिर चॉपर क्या करता है, वेरिएबल डीसी को में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि ये एफिशिएंट होता है और इसमें एक ही स्टेज होने के कारण इसकी इफ़िशेंसी भी हाई होती है और कॉस्ट भी इसका कम होता है और फास्ट रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि एक ही स्विच से हो जा रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स की तरह वर्क करता है और इसकी कंट्रोलिंग भी स्मूथ होती है। अब हम चॉपर में पढ़ेंगे कि स्टेप अप चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, स्टेप डाउन चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।